हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं टेकी गाय और ये है बेस्ट हेडफोन्स अंडर 1000, क्योंकि यही दो ऐसे हेडफोन्स हैं जो कि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं इस बजट के अंदर। और मैंने जब इनको टेस्ट किया तब मुझे दोनों हेडफोन्स ही सही लगे 1000 रुपीज़ के बजट सेगमेंट के अंदर, जिनको आप लोगों को परचेज करना चाहिए। अब बात करेंगे कि ये दोनों हेडफोन्स में से कौन सा हेडफोन किसको परचेज करना चाहिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर बेस पसंद है या फिर अगर आप लोगों को बैलेंस साउंड सुनना है तो किसके अंदर आप लोगों को बैलेंस साउंड देखने के लिए मिलेगा, किसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा बेस देखने के लिए मिलेगा, किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, गेमिंग में कौन अच्छा है, बैटरी लाइफ किसकी अच्छी है, सारी सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि ये दोनों ही हेडफोन की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार उसको जरूर से चेक करिए, ताकि कहीं आप लोग इस हेडफोन को जो महंगा ना परचेस कर ले। तो फटाफट से बात कर लेते हैं इन दोनों हेडफोन की। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को ज़ेब्रोनिक ज़ेब थंडर की ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पर मैं इसके जो हिंज है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। वहीं अगर बात कर लें पीट्रॉन वाले के, ये यहाँ पर जाकर जो अटक जाते हैं, तो इसके हिंज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके साथ साथ इसके जो कुशन भी है वो जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगे मुझे। बात कर लें कि कौन से ज़्यादा कम्फर्टेबल, तो ज़ेब्रोनिक से ज़ेब थंडर आप लोगों को ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके जो ईयर कप्स है वो जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कंपेयर टू पीट्रॉन स्टूडियो। तो लुक वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे ज़ेब्रोनिक से ज़ेब थंडर जो है ज्यादा पसंद है। अब फटाफट से बढ़ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि साउंड क्वालिटी किसकी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भाई यही तो जो है मेन चीज है भाई। कितनी भी अच्छे दिखे अगर साउंड क्वालिटी खराब है तो सारी चीजें खराब हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो पीट्रॉन स्टूडियो है इसकी साउंड क्वालिटी आप लोगों को जरूर से ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग काफी ज्यादा तगड़ा बेस, काफी ज्यादा डीप बेस आप लोगों को इसके अंदर फील होगा। मतलब कि भाई इंडियंस को जैसा बेस पसंद है दुबदुब वाला, उस टाइप का बेस आप लोगों को पीट्रॉन स्टूडियो के अंदर फील होगा। बेस दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये ज़ेब्रोनिक्स वाले के अंदर नहीं है, ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब थंडर में इसके अंदर भी बेस है, एक्स्ट्रा बेस वाली जहां पर बात आ जाती है। हम इंडियंस को जैसा बेस पसंद है उस टाइप का बेस आप लोगों को पीट्रॉन स्टूडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर आप लोगों को पीट्रॉन स्टूडियो के अंदर ज्यादा बढ़िया साउंड देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू ज़ेब्रोनिक्स थंडर। अब बात कर ले हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि कंफर्ट की, कंफर्ट आप लोगों को ज्यादा किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ज्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को ज़ेब्रोनिक्स वाले जो हेडफोन है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। उसके पीछे का कारण यह है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ईयर कप्स काफी ज्यादा सॉफ्ट है, उसके साथ साथ ये जो एडजस्टेबल नॉब है ये भी काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, जिस कारण से आप लोग इसको जब अपने हेड में लगाएंगे तब ये काफी ज्यादा कंफर्टेबली आप लोगों के हेड पे जो सेट हो जाते हैं। वहीं अगर बात कर लूँ इसकी पीट्रॉन स्टूडियो की, तो यहाँ पर मैं इसकी हिंज की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है और ये जो है पूरी तरीके से ओपन भी नहीं होते, तो इसके अंदर आप लोगों को डिस्कम्फर्ट जरूर से फील होगा। उसके साथ साथ इसके जो ईयर कप्स भी है वो जो काफी ज्यादा हार्ड है, ज्यादा लंबे समय तक, मतलब कि आप लोग इसको 1.5 घंटे से ज्यादा जो है पहन नहीं सकते। लेकिन वहीं अगर बात कर लूँ ज़ेब्रोनिक्स वाले की, तो ये जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप लोग जो इसको आराम से 4 से 5 घंटे पहन सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर अपने ईयर्स में कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। तो कंफर्टेबल के मामले में यहाँ पर मैं हमारा जो ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब थंडर है वो जो विन कर जाता है। अब फटाफट से बात कर लें बैटरी लाइफ की, तो आप लोगों को यहाँ पर जो पीट्रॉन स्टूडियो है उसकी बैटरी लाइफ आप लोगों को यहाँ पर मैं ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर आप लोगों को 12 घंटे की बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर बात करूँ ज़ेब्रोनिक्स थंडर की, तो इसके अंदर आप लोगों को 9 घंटे की बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम करती है, लेकिन लगभग जो 8 से 7.5 घंटे इसकी जो बैटरी लाइफ चलती है जब मैंने इसको टेस्ट किया रियल लाइफ कंडीशन में। तो बैटरी लाइफ यहाँ पर मैं आप लोगों को पीट्रॉन स्टूडियो की इम्प्रूव देखने के लिए मिल रही है ज़ेब्रोनिक्स वाले से, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है भाई पीट्रॉन स्टूडियो को परचेज करने की। लेकिन अब बात कर लूँ ड्यूरेबिलिटी की, तो भाई ज़्यादा ड्यूरेबल आप लोगों को यहाँ पर मैं ज़ेब्रोनिक्स का देखने के लिए मिलेगा। जो ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब थंडर है ये जो है ज़्यादा ड्यूरेबल है, उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जब मैं इसको यूज़ कर रहा था पीट्रॉन स्टूडियो वाले हेडफोन को, तब ये जो है मेरे हाथ से हल्के से ऊपर से जो गिर गया और उसके बाद और यहाँ पर मैं उसके बाद से जो इसके अंदर इस टाइप से आवाज़ आ रही है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी मैं आप लोगों को ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब थंडर ही सजेस्ट करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको नहीं गिराया, या आप लोगों के सामने मैंने इसको अभी गिरा दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर मैं कोई नापतोल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको करा के अंदर जो है कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अभी मैंने आप लोगों के आंखों के सामने यहाँ पर मैं इसको गिरा के बताया, इसीलिए मुझे यहाँ पर मैं ज़ेब्रोनिक्स वाला ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है एज कम्पेयर टू पीट्रॉन स्टूडियो। माइक्रोफोन की क्वालिटी दोस्तों दोनों की सेम है। गेमिंग की बात कर लें तो गेमिंग में दोस्तों दोनों ही खराब है। अगर आप लोग जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गेमिंग करते हैं, अगर आप लोग ऑक्स लगा के करेंगे तब आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैजुअल गेमर अगर आप लोग हैं तब आप लोग दोनों हेडफोन में जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात कर लो अगर रेंज की, तो दोनों में ही आप लोग को 10 मीटर की रेंज देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही हेडफोन के अंदर आप लोगों को रेंज की कोई भी शिकायत नहीं आएगी। बात कर ले फाइनल कंक्लूजन की, किसको आप लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का मेन ये है कि अपने को तो भैया सिर्फ और सिर्फ अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए, उसके अलावा कंफर्टेबल नहीं भी रहे, तो आप लोग जो उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तब आप लोग जो पीट्रॉन स्टूडियो के साथ जाइए। यहाँ पर आप लोग काफी ज्यादा तगड़ी साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज लेना चाहते हैं कि भाई कंफर्टेबल भी हो, साउंड क्वालिटी भी आप लोगों को डिसेंट मिल जाए और बिल्ड क्वालिटी भी आप लोगों को अच्छी मिल जाए, तब आप लोग ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब थंडर
वाले को परचेस करिए, ये आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन होगा। दोनों हेडफोन की सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार उसको जरूर से चेक करिए ताकि आप लोग जो अपने लिए अच्छा हेडफोन ले पाए। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी इस वाले हेडफोन की, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों इस हेडफोन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।